ओपन होता है, बट फिर और भी लोग हमारे अलावा और भी कैंडिडेट आए थे काफ़ी सारे, कम से कम 25-30 लोग आए थे। तो फिर यहाँ के जो मतलब मेन हेड है ना, उन्होंने एक साइड का गेट खोल दिया, तो वहाँ से एंटर कर दिया हम लोगों को। बट मेन परिसर अभी बंद है, 4 बजे ओपन होगा, अभी 3:30 बजे हैं, तो हम लोग पहले नवग्रह मंदिर चले जाते हैं, वहाँ पर बच्चे मस्ती कर लेंगे, उसके बाद हम आएंगे दर्शन करेंगे। Hey guys, welcome back to my channel. कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी बढ़िया बढ़िया हैं। और ना आज मैं जा रही हूँ मंदिर बच्चों को घुमाने। एक्चुअली ना मैंने बोल दिया था कल बच्चों से कि कल अपन घूमने चलेंगे मंदिर, बट ना कल मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, शायद सर्दी की वजह से, तो मैं नहीं जा पाई। तो बच्चे आज जिद कर रहे थे, तो मैंने कहा चलो आज घुमा के लाते हैं। भाभी हैं और बच्चे हैं, बस ऐसी मस्ती करा के 1-2 घंटे में वापस आएंगे। तो चलिए चलते हैं। ट्रेन आ गई मान्या, इधर आ जाओ वान्या, आ जाओ इस तरफ आ जाओ, सब लोग मेरे पीछे। वानु यहाँ से वानु इधर इधर आओ, क्रॉस करें, आ जाओ। चलो ट्रेन नहीं आ रही, अभी जल्दी क्रॉस कर लेते हैं। अभी हम रेलवे लाइन क्रॉस करके उस तरफ जाएंगे, उसके बाद हमें रिक्शा मिलेगा तब हम जाएंगे, क्योंकि मंदिर थोड़ा दूर है। आओ वानु जल्दी आ जाओ, आ जाओ। सो बस चलते हैं, क्या तो हम कपड़े गंदे करने ही आए हैं। मंदिर परिसर अभी बंद है, बड़ी मुश्किल से हमें एंट्री मिली है। जो मेन गेट था ना वो बिल्कुल बंद था, 4 बजे ओपन होता है, बट फिर और भी लोग हमारे अलावा और भी कैंडिडेट आए थे काफ़ी सारे, कम से कम 25-30 लोग आए थे। तो फिर यहाँ के जो मतलब मेन हेड है ना, उन्होंने एक साइड का गेट खोल दिया, तो वहाँ से एंटर कर दिया हम लोगों को। बट मेन परिसर अभी बंद है, 4 बजे ओपन होगा, अभी 3:30 बजे हैं, तो हम लोग पहले नवग्रह मंदिर चले जाते हैं, वहाँ पर बच्चे मस्ती कर लेंगे, उसके बाद हम यहाँ आएंगे दर्शन करेंगे। क्योंकि नवग्रह मंदिर में अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, ना वो बना है, ना कोई मूर्ति स्थापित हुई है, तो वहाँ पर टाइमिंग का कोई बॉन्ड नहीं है, तो इसलिए पहले बच्चों को वहाँ घुमा देंगे। और हम आए ही बच्चों को स्पेशली मस्ती करवाने के मूड में हैं, सो बस बच्चे करेंगे मस्ती। ये लो तुम पानी। सो बस ये देखिए हमारे बच्चों की मटर गस्तियाँ, ये देखो मस्ती बच्चों की। वानु हाय बोलो, हाय वानु, हाय तो बोलो, हाय रयू, हाय हाय। वो डल वो अब को उसको था रखो, तुम लो अंशु, चलो अंशु मामू है वो, मामू है वो, मामू मामू दौड़ो, मामू दौड़ो, मामू दौड़ो, ये बस ज्यादा तेज नहीं गिर जाओगे, आराम से ले। मैं तो चलते चलते थक गई हूँ, तो इधर आके बैठ गई हूँ। चल रहा है बेटा, अभी चलेंगे हम, तो थोड़ा बैठे हैं। आज हम आपको घुमाने लाए हैं, आपको घूम लो जहाँ आपको घूमना है। अरे मम्मा चलो ऊपर। क्या बोलूँ, यहाँ पर गंदा है? तो दूसरे मंदिर में चले। अच्छा यहाँ पर गंदा है, अच्छा वानु कह रही है यहाँ पर मम्मा बहुत गंदा गंदा है, उसी वाले में चलो वापस जिसमें अभी जिससे वैसे अभी आए थे वहाँ खेलेंगे। चलो चलते हैं। यहाँ पर अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है ना, तो बहुत ज़्यादा गंदगी धूल वगैरह रहती है, ये सब देखिए सामान वामान, इसलिए जा रहे हैं यहाँ से। अभी 4 बजे हैं, सो मंदिर का पट जो है वो खुल गया है, बच्चे लोगों की खूब मस्ती चल रही है। मकड़ी है वानू, मकड़ी
क्या करो, क्या बोलोगी आप? हम सब लोग निकल रहे हैं यहाँ से, 4:30 बजे का वक्त हो गया है। अब बच्चों को कुछ खिलाएंगे मार्केट में थोड़ा बहुत, और घर जाएंगे क्योंकि अब सर्दी भी बढ़ रही है थोड़ा थोड़ा। मंदिर में हमने अच्छे से दर्शन कर लिए हैं। आओ अनु, स्लीपर पहनो। हम लोग घर वापस आ चुके हैं। वानू अभी भी टिक्की लेकर और एक्स्ट्रा आई है तो खा रही है, और ना बच्चे जिद करने लगे थे बहुत ज़्यादा, तो बच्चों को दिलाए थे हमने बलून, जिसमें से ये हमारी वान्या का बलून है जो टूट चुका है, तो कह रही है मम्मा और दिला दो। अब नेक्स्ट टाइम बाजार जाएंगे तब दिलाएंगे, ठीक है। और एक गर्वांश के पास है, एक प्रियांश के पास है। सो बस घर आ गए हैं वापस। और ना अभी मेरी मम्मी भी जहाँ शादी में गई थी ना, वहाँ से वापस आ रही है, मतलब रास्ते में है, आधे घंटे में आ जाएंगी ट्रेन से। तो मैं ना शाम तक या रात तक घर वापस निकल जाऊँगी अपने ससुराल, क्योंकि इसलिए निकल जाऊँगी, वैसे मैं रुक जाती, बट बात यह है कि कल है थर्सडे और मेरा थर्सडे का फास्ट रहता है ना, तो पूजा मतलब पूजा वगैरह अपने घर पर ही। तो क्या है ना, पूजा कैसे, भगवान जी के मुँह में चॉकलेट था, कैसे कर रहे थे? चॉकलेट नहीं था बेटा, मंदिर में वान्या ने कृष्ण भगवान की एक लीला का जो फोटो देखा था ना, उसका ही फेस बना रही है कि उनके मुंह में चॉकलेट था। सोना मैं घर पर चली जाऊंगी क्योंकि कल थर्सडे का फास्ट है ना, तो पूजा वगैरह वहीं करूंगी, व्रत भी रखूंगी, इसलिए मैं आज ही चली जाऊंगी। नानी आ गई थी, अब हम जा रहे हैं। वानू पाए कर लो नानी, इधर नहीं उधर नानी से, ये पहन लो वान्या, ये सैंडल पहन लो, अपने सैंडल पहन लेती है वो तो वैसे ही। हट जाओ, मैं नहीं, नानी हट जाओ। नहीं नहीं जा रही, आप हमारे घर पे आई थी, अब हम आपके घर आ गए, ले चलो प्लीज 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 दे दो, दे दो, आ जाओ, मैं बैठ रही पहले। सो गाइज, मैं वापस आ गई हूँ अपने घर पर, ससुराल वाले घर पर, और अभी जस्ट अपने रूम में आई हूँ। पीछे रजाई देखिए ऐसे की ऐसी पड़ी है, ना कोई कारपेट है ना कुछ है, 2-3 दिनों से बिछी नहीं रहा है, क्योंकि समझ जाइए हमारे पतिदेव के काम तो
रजाई तक उन्होंने अपनी घड़ी नहीं की तो और तो वो करेंगी क्या। आई थिंक सबके घर में यही होता है। वान्या नीचे है, खेल रही है अपने दादू दादी के साथ में आराम से। मैं रूम में आ गई थी थोड़ा बहुत, बस अब चेंज वेंज करेंगे। सो बस खाना पीना मैं खाकर आ गई हूँ घर से। थोड़ा बहुत मेरे हस्बैंड भी खाया है, थोड़ा बहुत यहाँ खा लेंगे जो भी है। सो बस आज का कुछ इसी तरह से दिन बीता है। मेरा मम्मी आ गई है तो मैं भी यहाँ वापस आ गई हूँ, कभी और चली जाऊँगी मिलने। एक्चुअली मेरा कल थर्सडे का फास्ट है, इस चक्कर में मुझे लौट के आना पड़ा। मम्मी ने बहुत बोला कि रुक जाओ बट क्या है ना, फिर पूजा वूजा घर पर ही सब अच्छे से हो जाती है, इसलिए फिर मैं आ गई। कभी और चली जाऊँगी दोबारा रुकने के लिए। सो बस अब इस ब्लॉग को एंड कर रही हूँ यहीं पर। आई होप आप सब ने एंजॉय किया होगा आज का ब्लॉग। फ्रेंड्स बहुत जल्द मिलती हूँ आप सबसे किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नए वीडियो के साथ। अब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।